हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा विपक्ष के सवालों के रूप में उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, मणिपुर को मिलाकर दो ऐसे राज्य हाल फिलहाल चर्चा में हैं, जहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, या विपक्ष के लहजे में कहें तो डबल इंजन की सरकार है। फिर भी लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह बिगड़ चुका है। अब इस मुद्दे पर यूपी का विपक्ष एक्टिव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हरियाणा हिंसा मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार को घेरा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े दावे के बाद अखिलेश का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार के कारण प्रदेश में त्योहारों और पर्वों के शांतिपूर्ण आयोजन और कानून व्यवस्था के राज की बात कही थी। यूपी के विकास में डबल इंजन की सरकार के योगदान को सामने रखा था। अब इस मामले को अखिलेश यादव ने अपने ही तरह से पेश किया है। उन्होंने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, हरियाणा की हिंसा मणिपुर के बाद डबल इंजन सरकार की नाकामी का एक और उदाहरण है। सरकार के रूप में भाजपा का इंजन फेल हो गया है। अखिलेश यादव के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। मणिपुर का मुद्दा इस समय सबसे अधिक चर्चा में है। मणिपुर में जिस प्रकार हिंसक घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ शर्मसार कर देने वाले वीडियो सामने आए, उसके बाद से देश भर में इसे लेकर आक्रोश का माहौल है। मणिपुर की घटना को लेकर संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरह बाधित रहा। इन सब के बीच हरियाणा से लेकर राजस्थान तक से हिंसा की खबरें सामने आई। हरियाणा के नूह और राजस्थान के मेवात में हिंसा की घटनाओं के बाद से लगातार इस पर राजनीतिक बयान आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने केवल नूह की घटना का ही जिक्र कर भाजपा पर निशाना साधा है। बता दें कि नूह में सोमवार को हिंसा भड़की थी। इसमें धार्मिक जुलूस पर पथराव होने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और हिंसा ज्यादा बढ़ गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता था। उपद्रवियों ने पुलिस थाने पर भी हमला किया। इस हमले में दो होमगार्ड की मौत हो चुकी है। हिंसा की घटना को देखते हुए नूह से गुरुग्राम तक पुलिस बल लगाए गए हैं। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का आदेश आ चुका है। भारी संख्या में हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है, लेकिन उधर स्थितियां संभल नहीं रही हैं। और इधर विपक्ष प्रदेश सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।